subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Nice, she's nice. Wow. What a compliment. बहुत ज़्यादा मैच्योर है उसको मिलने के बाद आई एम लर्निंग टू नो अबाउट लाइफ. जो लोग प्यार में है प्यार में रहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट योर पार्टनर. दिस इज लाइफ तो किसी की लाइफ को मत छीनो. हाँ to be with someone कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो वो चीज़ करने से जो उन्हें पसंद है तो दैट इज़ रॉन्ग वॉट आई फील. एंड यस वही विशिंग एवरी वन वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. टॉकिंग अबाउट वैलेंटाइंस डे आ रहा है और अगर वैलेंटाइंस वीक की अगर हम बात करेंगे तो वीक आई डोंट थिंक हम इतना मतलब उस चीज पे मुझे पता भी नहीं था कि कल क्या डे है आज क्या डे है परसों क्या डे था तो वो सब इतना नहीं मायने रखता. बट हाँ वैलेंटाइंस डे वो थोड़ा सा स्पेशल होता है कि ऐसा माना जाता है कि प्यार का दिन है तो हम भी मान लेते हैं कि प्यार का दिन है. सो वो वैलेंटाइंस डे थोड़ा सा स्पेशल है. बाकी दिन तो रोज डे प्रपोज डे ये सब मुझे बड़ा वैसा लगता है चीज़ी चीज़ी रोज डे भूल गए. हाँ याद नहीं रहता है वो सारी चीज़ें. सर आप बताइए आप क्या आपकी भी थॉट सेम है इस पर. सो बिकॉज़ आप मानते हैं इन सारी चीज़ों में मतलब इन सारे दिनों में स्पेशली. नहीं मानते तो मेरे पास गिफ्ट होता है ना मेरे पास चॉकलेट है ना मेरे पास टेडी है ना मेरे पास रोज है यार मैं ना कोई प्रपोज डे का हमने मनाया कुछ नहीं मनाया हमने. ओके बात करें अगर आप दोनों की तो प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए कि किस तरीके से आप दोनों की रिलेशनशिप की शुरुआत हुई कहाँ मिले थे आप दोनों पहली बार एक दूसरे. सो हमने ऐसे भी चैनल्स पे काफ़ी बताया है ये चीज़ पर हिंदी चैनल में हम पहली बार बताए वो भी इंडिया फोरम में. तो हम पहली बार मिले थे एक म्यूज़िक वीडियो में एक्चुअली जिसमें हम दोनों ही एक्टिंग कर रहे थे. वो सौरभ का पहला म्यूज़िक वीडियो था और मेरा मतलब मैं तब तक कर चुकी थी असम में काम. मेरा पहला था उसका पहला म्यूज़िक वीडियो था तब वी वर फ्रेंड्स मतलब हाँ मिले दोस्ती वोस्ती हुई तब हम किसी और के साथ मतलब दोनों थे तब वैसा कुछ भी नहीं था. फिर उसके बाद एक डेढ़ साल बाद आई थिंक ना एक डेढ़ साल कनेक्शन हुआ मतलब मैसेज किया ही ट्राई टू फ्लर्ट विद मी तो मैंने इतना घास नहीं दिया था उस वक्त. फिर उसके बाद जब मेरा ब्रेकअप हो गया तो कुछ महीनों बाद मुझे लगा चलो लड़का अच्छा है ट्राई कर लेते एक बार अगर काम बन जाए तो बन जाए नहीं बने तो नहीं बने तो बन गई काम. पहले रिस्पॉन्स काफी कम था. पहले रिस्पॉन्स काफी कम था आजकल रिस्पॉन्स बहुत आ रहा है. तो एग्जैक्टली मेरा ऐसा था कि क्या फायदा. बाद में व्हेन शी गिव द भाव धीरे धीरे फील हुआ कि ओके फाइन ये चल रहा है अच्छा. देन ऐसे हो गए रिलेशनशिप एंड आई वाज रियली हैप्पी क्योंकि इन माय जर्नी के पहले फर्स्ट टाइम ही वही उसके मतलब मेरे साथ थी तो आई एम रियली ग्लैड. वही ओके कितने वक्त से आप दोनों साथ में मतलब कितना टाइम हो गया एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को जानते हुए. वैसे फ्रेंड्स तो है हम लाइक 4 इयर्स वैसे एंड रिलेशनशिप में प्रॉपरली हम आए हैं 2 साल 2 इयर्स. ओके तो इन 2 साल के सफर के बारे में आप दोनों से जानना चाहोगे क्या कुछ बदला है इन 2 सालों में एंड किस तरीके से कहते हैं कि एक रिलेशनशिप में जो दो लोग होते हैं वो लोग इवॉल्व होते हैं. राइट आप दोनों किस तरीके से इस रिलेशनशिप में इवॉल्व हुए हैं पर्सनली. मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज हुआ है. जैसे हम पहले थे जैसे हम पहले बात करते थे जैसे पहले हम दोनों ना एक दूसरे से बात करते थे तो वही सेम चीज़ अभी भी आई थिंक अभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है मुझे ऐसा लगता है. वी टाइम ग्रेजुअली थिंग्स चेंजिंग नहीं बोलूँगी चेंज नहीं हो रहा है बट देन अच्छा होता जा रहा है एंड टच वुड मतलब हमेशा ऐसे ही रहे हमेशा अच्छा ही रहे. एंड वॉट आई फील कि इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मुझे आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं अगर इस यहाँ पे जा रही हूँ किसी के साथ जा रही हूँ तो
बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाएगा या फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वो सब चीज़ें मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज आई नो ही अंडरस्टैंड. और अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाए, आई जस्ट हैव टू मेक हिम सिट एंड कि देखो ऐसा ऐसा है, तो इट्स लाइक कम्प्लीटली फाइन. अभी तक तो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है एंड आई होप कि आगे की जर्नी जो है वो भी बहुत अच्छा चले. आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं 2 साल में, और किस तरीके से आपकी पर्सनल ग्रोथ इस रिलेशनशिप में हुई? स्टार्टिंग से रिलेशनशिप काफ़ी मैच्योर था और अभी भी है, बहुत ही क्या बताऊँ, सबकी मतलब उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे लाइफ में, सब कुछ जो भी मैं करता हूँ, सी यूज टू बी देयर एंड आफ्टर सी केम इन टू माई लाइफ, लाइक जो होता है ना एक्सेल पॉइंट, आई गॉट दैट कि है माई सोल्यूशन इज सी, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आफ्टर से कि ये हो गया क्या करें लाइक दैट. तो आई फील रियली ग्लैड that I met her and हम लोग साथ में, we are like partners. Okay. ये जाना चाहूँगी घर पे अगर बात करें कि आप दोनों भी घर पर पता है किस तरीके का बॉन्ड एक दूसरे की फैमिलीज के साथ आप दोनों शेयर. क्योंकि मेरे घर में जो चीज़ है, जो फंडा है एक्चुअली मेरे घर में, बहुत शुरू से ही चीज़ें बहुत ओपन है. मतलब शुरू में ही मैं जब पहले रिलेशनशिप में आई तो मैं घर में जाके सीधा बता देती हूँ कि इसी दिस इज़ द गाय मेरा इसके साथ चल रहा है थोड़ा सा. तो वो बहुत ज़्यादा ओपन है, मुझे ऐसे सोचना नहीं पड़ता है, अच्छा घर में पता चल जाएगा तो क्या होगा, जस्ट मुझे उनको समझाना पड़ता है. तो उस हिसाब से तो माई फैमिली लव्स हिम अ लॉट, लाइक माई ब्रदर एंड माई मदर और बाकी मेरे जो कज़न्स हैं दे लव हिम अ लॉट. तो मुझे अगर नहीं फ़ोन पे मिलते तो दे कॉल हिम कि कहा है एंड ऑल. एंड विद हीज फैमिली ऑल्सो मैं पहले मिली थी, एज ए फ्रेंड मिली थी, बट रिलेशनशिप में आने के बाद मैं कुछ महीनों पहले मिले हो. एंड हिज सिस्टर ऑल्सो, मतलब वो बिल्कुल एकदम बहुत ही प्यार करती है, तो मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ. तो रिलेशन जो बॉन्ड हो रहा है ग्रेजुअली जो बन रहा है, अच्छा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है. एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो दे नो अबाउट इट नाउ, क्योंकि सारे आसाम को मतलब सबको पता ही है. सो उनके पास भी ऑप्शन नहीं था, उनको पता चल गया. तो यस, अभी अच्छा लग रहा है कि सबको पता है, क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा छुपके छुपके करना नहीं अच्छा लगता है, झूठ बोल के करना. तो अभी सब कुछ सबको पता है एंड दे ऑल्सो नो कि वी आर मोर फोकस्ड इन टू आर करियर, कि हमें करियर बनाना है, हमें यू नो ग्रो करना है. इट्स नॉट लाइक कि वी आर जस्ट ऐसी रिलेशनशिप में रह के वो वाले हरकतें कर रहे हैं, वैसा नहीं. वो वाले हरकत आई मीन टू से कि बस घूमना फिरना खाना, वैसा नहीं है. वी आर जस्ट सो मच फोकस्ड कि हमें करना है कॉन्टेंट बनाना है, मुझे शूट करना है, इसको काम करना है. सो वी आर मतलब दे नो कि वी आर नॉट टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम वी आर पार्टनर्स. या मैं श्योर. ओके, मुझे सर आपसे जानना चाहूँगी कि इवन मैं जब ये कर सुरभि जब नीमा डेंग पापा कर रही थी तब किस तरीके से मतलब क्या कुछ तब कोई चेंजेस आए? बिकॉज ऑफकोर्स जैसे हम जानते हैं टेलीविजन एक्टर्स की जो एक लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा यू नो लॉन्ग शूटिंग आवर्स और ये सारी चीज़ें. तो तब आपने किस तरीके से मैनेज किया? एंड आई रिमेंबर जब मैंने लास्ट सुरभि आपसे बात की, आपने बताया कि कैसे आप काफ़ी लेट भी हो जाता कई बार घर पर आने पर. वैसे उसी टाइम जब इसको सीरियल मिला था तब मेरे कॉलेज भी चल रहा था, आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप. तो ऐसा था कि जब मैं मुझे फ्री टाइम मिलता है उसको फ्री टाइम नहीं मिलता है, जब इसका लंच ब्रेक होता है मेरा लंच ब्रेक मिलता है, आई यूज़ टू डू माय क्लासेस एंड ऑल. तो हम लोग ऐसे मैनेज करते थे, इसको जब मिल गया फ्री टाइम लंच ब्रेक तो मैं भी कुछ कुछ करके एडजस्ट करके आई यूज़ टू टॉक टू हर. फिर हो गया 10 मिनट के लिए, हाँ वो सेशन हो गया, यूज़ टू डू वीडियो कॉल्स एंड ऑल. फिर रात में जब टाइम मिले 2-3 मिनट उसके बाद आई यूज़ टू फील स्लीपी, उसके बाद सो जाती थी, थक जाते थे बहुत ज़्यादा तो मैं भी सो जाती थी वही पर. ऐसा नहीं कि उसको भी समझ में आ जाता था कि हाँ थकी हुई अब क्या ही बात करूँगी, तो सो ही जाते थे. कुछ होता था तो आई यूज़ टू टेक्स्ट हर, रिप्लाई मिल जाता है वैसे आधे घंटे के अराउंड, सो वी हैव टू वेट फॉर द टाइम. बाकी डेट्स वगैरह हम लोग एडजस्ट कर लेते थे, कभी डेट में जाना है देन वी यूज़ टू एडजस्ट कि इस टाइम जा सकते हैं. वो शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि सब कुछ लवी डबी एंड ऑल है, पर हमारा अपना अपना इंडिविजुअल करियर है, हमारे अपने अपने गोल्स है, ड्रीम्स है. और पार्टनर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ घूमते ही रहे, वो ही करते रहे. अगर हम घूम भी रहे, हम काम के रिलेटेड वैसे घूम रहे हैं, काम के लिए घूम रहे,
है. तो अगर वैसा होता है कि अगर मैं बिजी हूँ तो उसको समझना होगा कि हाँ शी इज़ डूइंग फॉर हर फ्यूचर फॉर हर करियर. अगर वो कर रहा है वो बिजी है तो मुझे वो चीज़ समझनी होगी. तो वैसे ही चलता है. मुझे नहीं लगता कि शुरू शुरू में जो चीज़ होती है वो पूरे रिलेशनशिप में कभी भी रहता है. किसी के रिलेशन में भी वो चीज़ रहता है. तो अप्स एंड डाउन्स की अगर हम बात करें, हर रिलेशनशिप में होते हैं उतार चढ़ाव आते हैं. आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या आप दोनों ने ऐसा वक्त भी देखा है जहाँ पर जो नाराजगी है या कोई अप्स एंड डाउन्स है, अगर आप शेयर करना चाहें, और किस तरीके से आप दोनों ने इसे ओवरकम किया अगर बताएं. एक्चुअली टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट फाइट. ओके, होता है तब भी. हाँ, मतलब 10 मिनट में कि हम सोच लेते हैं कि सॉल्व तो करना है ही वैसे भी. हाँ, सॉल्व तो करना है ही, तो बहुत लंबा खींच के कोई फायदा तो है नहीं. तो हम सॉल्व कर लेते हैं अपने बीच में. एक ही बार शायद थोड़ी लंबी लड़ाई हुई थी, पर वो भी मतलब हो गई ठीक. तो वैसा मतलब हमारा वैसा नहीं होता है कि बिल्कुल लड़के 5-6 दिन बात ना करो, वैसा कभी भी नहीं हुआ है. आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो. एक घंटा मैक्सिमम, एक घंटा होता है, फिर उसके बाद नॉर्मल. ओके, और क्या ही करेंगे लाइफ में, और कितना स्ट्रेस है इसी इसको और एड ऑन कर लेंगे कि लड़ाई करके फिर बात ना करें 5 दिन तक, वो एक अलग स्ट्रेस हो जाएगा. तो नहीं, वो स्ट्रेस नहीं लेना है. सिर्फ बाकी के जो स्ट्रेस है जिंदगी में वो है ना. फिर एक दूसरे के बारे में मैं पूछूँ कि सबसे अच्छी चीज़ अगर आप लोगों को लगती है तो वो क्या खाना. तुम्हें पागल यू से नाइस चीज. नाइस, वाह, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट. बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है. उसको मिलने के बाद आई एम लर्निंग टू नो अबाउट लाइफ. तो बहुत ज़्यादा लाइफ के बारे में सी एज थॉट्स, सी एज प्लान्स, आइडियाज. और इसको मिलने के बाद आई एम बीइंग रिस्पॉन्सिबल लाइफ के लिए. देर इज़ ए प्लस पॉइंट इन माई लाइफ दैट सी इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो इसके मतलब वैसा तो कुछ नहीं है कि बहुत बुरा है, वैसा कुछ भी नहीं है. और अगर मैं बात करूँ कि बहुत अच्छा जो चीज़ है, दैट ही इज़, ये मैंने हर किसी को ही बोला, ही इज़ वेरी प्योर. एक्चुअली उसके दिल में, उसके मन में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं होता है. वो ही डज़ नॉट इवन थिंक अबाउट अदर पीपल. मतलब लोग कौन क्या किसके, अगर कोई बहुत ग्रो कर रहा है देन वो बोलते, मतलब ही इज़ लाइक हाँ देखो ये इज़ ग्रोइंग और शी इज़ ग्रोइंग, हमें भी ऐसा करना है. अदरवाइज मतलब वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता है, कभी किसी के जेलेसी नहीं होती है उस चीज़ को लेके. एंड ही इज़ ऑलवेज की चलो ये करते इज़ वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ एंड करियर की हाँ इतने उम्र तक हमें इतना कुछ अचीव करना है. एंड आई एम अ गर्ल हु इज़ वेरी वेरी एम्बिशियस. मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है. सो आई फील गुड कि माई पार्टनर इज़ ऑल्सो एम्बिशियस लाइक मी. जितनी मैं हूँ लाइफ को लेके सीरियस, वो भी उतना सीरियस है. कभी कभी मुझे लगता है कि वी जस्ट नीड टू चिल कि चलो थोड़ी देर हम काम के बारे में बात नहीं करते. कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है. सो यस, आई वही मुझे लगता है कि बुरा तो कुछ है नहीं, पर जो अच्छा है ये दैट ही इज़ वेरी प्योर एंड फोकस्ड. कई बार ऐसा होता है, ऑफ कोर्स आई थिंक विद गर्ल्स ये चीज़ होती है कि रिलेशनशिप जो होता है उसे हम लोग अपनी सारी दुनिया बना देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है. आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है, और अगर जिनके लिए हो, जिनके साथ ये होता है उन्हें क्या कहना चाहिए. जैसे कि मैंने बोला कि आई एम वेरी 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 मच एम्बिशियस. मतलब मैं, मेरा बचपन से नहीं, जब से मुझे ये सारी चीज़ें पता चला है, माई लाइफ इज़ लाइक कम्प्लीटली नॉट अबाउट रिलेशनशिप एंड लव. बिकॉज मेरे अभी वो है साथ में, उसको भी पता है मेरे ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे लिए उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना मेरे लिए एक रिलेशन इम्पॉर्टेंट है. तो मेरा क्या होता है कि लव हमारे लाइफ में होता है, लाइक ज़िंदगी में होता है, पर पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती. हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होता है करने को, करियर है, फैमिली है, देन बाकी और भी बहुत कुछ है. सो यस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट इट इज़ नॉट माई होल लाइफ. सो और अगर किसी के लिए ऐसा है कि मतलब प्यार ही सब कुछ है और पूरी ज़िंदगी ही उन लोगों ने प्यार के नाम पर सौंप दिया है, आई विल जस्ट से कि अगर प्यार के नाम पे ज़िंदगी सौंपना है तो सेल्फ लव के ऊपर सौंपिए. क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जिसमें वो
दे फॉरगेट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्सन. इतना ज़्यादा प्यार में आ जाते हैं कि बाकी दुनिया की सारी चीज़ें वो लोग भूल जाते हैं. और भगवान ना करे अगर किसी रीज़न से उस इंसान का आपसे मन हट गया या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न की वजह से ब्रेकअप हो गया, ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी ही आपको वर्थलेस लगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है कि सबके लिए अपने आप को हर चीज़ से ऊपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ व्हाट आई फील. और आपका क्या ख्याल है ज़िंदगी में? हाँ ऐसे ही सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन लाइफ. लाइफ इज योर्स ओनली 100% आपके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आई फील. तो ऑब्वियसली पेरेंट्स है, फैमिली है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. तो होपिंग कि मतलब वी ग्रो टुगेदर. बाकी जो लव द गोल इज दैट ओनली ग्रोइंग टू ग्रो टुगेदर, ताकि किसी की हार्म ना हो इसमें. वी जस्ट हैव टू ग्रो टुगेदर, वी आर पार्टनर्स इन लाइफ. मैरिज का तो अभी नहीं सोच रहे बिकॉज वी आर टू यंग टू थिंक अबाउट दैट, मुझे ऐसा लगता है. बट देन यस इवेंचुअली पॉइंट डेफिनेटली आएगा, एक एज डेफिनेटली आएगा जहाँ पे वील हैव टू थिंक अबाउट दैट. और तब तक हमारा ये कि बैंक बैलेंस उतना हो जाएगी हम आराम से उसके बारे में सोच सके. तो अभी तो वैसा कोई प्लान नहीं है. बट देन येस वी आर मोर इन टू कि एक साथ कुछ स्टार्टअप एंड ऑल का वो ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि वैसा कुछ करते हैं. फिर उसके बाद शादी वादी का तो अभी बहुत टाइम है. उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड साथ ही वैलेंटाइन्स डे है तो वैलेंटाइन्स विशेस हमारी ऑडियंस को क्या कहें? ओके, तो बस ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग प्यार में हैं प्यार में रहिए. प्लीज़ बी इन लव, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड सपोर्ट योर पार्टनर. मुझे जो लगता है रिलेशनशिप कुछ ऐसा नहीं है कि मैं लव गुरु हूँ, पर मुझे जो पर्सनली लगता है कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए या फिर रिलेशनशिप स्मूथली चले उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें. यू नो अंडरस्टैंड योर पार्टनर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिस्पेक्ट योर पार्टनर. अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कभी भी प्यार हो सकता है. सो रिस्पेक्ट योर पार्टनर, अंडरस्टैंड, सपोर्ट हिम और हर एंड आई इफ यू वॉन्ट टू सी. हाँ, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई लाइक डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स एंड ऑल आई रियली डोंट लाइक. सबकी इंडिविजुअली अपना एक लाइफ है खुद की. तो कीप सपोर्टिंग योर पार्टनर्स, आप अच्छे से रहना, इंजॉय लव. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग. घूमने वूमने जाओ, वेट मारो एंड दिस इज लाइफ. तो किसी की लाइफ को मत छीनो, मतलब जस्ट टू बी विद समवन कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो वो चीज़ करने से जो उन्हें पसंद है, तो दैट इज़ रॉन्ग व्हाट आई फील. एंड यस वही विशिंग एवरी वन वेरी हैप्पी वैलेंटाइन्स डे.